हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 क्लासिक के न्यू एलियंस के बारे में। अब गाइस देखो, आप लोगों ने गाइस देखा होगा कि बेन 10 का जब स्टार्टिंग हुआ बेन 10 क्लासिक से, जो कि हमारा ओरिजिनल वर्जन था, वहां पर गाइस बेन को सिर्फ 10 ही एलियंस मिले थे। पर गाइस उसके बाद भी बेन को बहुत सारे न्यू एलियंस भी मिले थे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 क्लासिक के ऑल एलियंस के बारे में बताऊंगा कि बेन ने किसको किसको पकड़ा। तो गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब गाइस सबसे पहले हम लोग उन 10 एलियंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि गाइस बेन 10 को मिला था। तो गाइस पहला एलियन यहाँ पर था हीट ब्लास्ट, दूसरा था गाइस डायमंड हेड, तीसरा था वाइड मार्च, चौथा था गाइस स्टिंग फ्लाई, पांचवा था ग्रे मैटर, छठा था अपग्रेड, सातवां था गाइस फोर आर्म्स, आठवां था एक्सेलरेट, नौवां था गाइस रिप जॉब और दसवां था गाइस हमारा गोस्ट फ्रेक। ये 10 एलियन मिले थे बेन को। पर गाइस उसके बाद बेन ने किसको किसको पकड़ा ये, या फिर ओमनीट्रिक्स में वो एलियन न्यू आया, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो था गाइस कैनन बॉल, दूसरा था गाइस हमारा बस सॉक, तीसरा था गाइस डॉक्टर विक्टर, चौथा था गाइस एक घोस्ट फ्रिक का एक डरावना रूप, पांचवा था गाइस द मम्मी, छठा था बेन वुल्फ। इसके अलावा गाइस बेन 10 क्लासिक में बेन ने और भी कई सारे एलियंस को पकड़ा था, जैसे कि अपचक मिला था, आर्टिग्वाना मिला था। इसके अलावा गाइस बेन 10 क्लासिक में ही हमें वेबिक को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि वो बेन का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा एलियन है। बाद में जाकर गाइस हमें ये पता चला कि एलियन एक सबसे पावरफुल है, पर गाइस बेन 10 क्लासिक में सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर वेबिक को ही दिखाया गया था। इसके अलावा गाइस बेन को डिट्टो भी मिला था, इसके अलावा आईगाई भी मिला था। मैंने गाइस आपको जितने भी एलियंस बताए वो सब के सब गाइस एलियंस मिला था बेन 10 क्लासिक में बेन को। पर गाइस जैसे जैसे बेन बड़ा होता गया, बेन 10 का हमें न्यू सीरीज यानी कि एलियन फोर्स देखने को मिला, जहाँ पर बेन को बहुत सारे एलियंस मिले। इसके अलावा अल्टीमेट एलियंस हुआ, ओमनीवर्स हुआ, जिसमें बेन को बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा पावरफुल एलियंस मिले। पर गाइस बेन 10 का जो स्टार्टिंग था यानी कि क्लासिक में, वहां पर गाइस इतने ही एलियंस मिले थे बेन को। और गाइस क्लासिक अगर इतना सक्सेसफुल नहीं होता तो शायद ही गाइस हमें कभी भी बेन 10 एलियन फोर्स या फिर अल्टीमेट एलियंस या फिर ओमनीवर्स देखने को मिलता। बेन का गाइस जो सक्सेस है वो बेन 10 क्लासिक से ही हमें देखने को मिला था। ये वीडियो गाइस मैंने सिर्फ इसीलिए बताया है ताकि गाइस आप लोग बेन 10 क्लासिक के जो एलियंस है उनको भूल ना जाओ, क्योंकि ये वो एलियंस थे जो कि गाइस हमें एंटरटेन करते थे बचपन में। और बेन 10 क्लासिक जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज बना था बेन 10 का, और आगे चलकर हमें बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड भी देखने को मिले थे। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।